राजधानी पटना में कोरोना के एक मरीज के मौत के बाद लगातार जो हड़कंप है राजधानी में वो लगातार छाया हुआ है। आपको बता दें जो सैफ की मृत्यु हुई थी राजधानी पटना में, उसे पहले इसी अस्पताल में लाया गया था। राजधानी पटना के बाईपास पे है सरनम अस्पताल, जहां पर पहले सैफ को लाया गया था, जिसके कारण एक जो नर्सिंग स्टाफ है उसको ये इन्फेक्शन हुई। इन्फेक्शन के बाद लगातार सबसे पहले न्यूज फॉर इंडिया अपने दर्शकों को दिखा रहा है, यही वो अस्पताल है सरनम हॉस्पिटल, जो बाईपास के किनारे स्थित है, जहां पर इलाज चल रहा था सैफ का, और जिसके बाद उसे जरूरी इलाज के लिए यहां पर पॉसिबल नहीं हो पाया, जिसके बाद उसे ले जाया गया एम्स अस्पताल, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। कोरोना के पहले मरीज जिसकी मृत्यु हुई है उसे सबसे पहले यहीं पर लाया गया था, सरनम अस्पताल है राजधानी पटना के इलाके में। सबसे पहले न्यूज फॉर इंडिया अपने दर्शकों को दिखा रहा है सरनम अस्पताल, जिसे पटना मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा इसे सील कर दिया गया। लगातार सबसे पहले तस्वीरों से आपको रूबरू करा रहा है, दिखाएंगे अंदर का नजारा। बाईपास अंतर्गत आता है, ये कंकड़बाग थाना अंतर्गत है सरनम अस्पताल, जिसे कि आज अधिकारियों के द्वारा सील कर दिया गया है। यहाँ के एक कंपाउंडर को सैफ के इलाज के दौरान उसे इन्फेक्शन हुआ था और उसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद अस्पताल को आला अधिकारियों ने आकर सील कर दिया गया। व्यूअर जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ शशि यादव, न्यूज फॉर इंडिया, पटना। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।